कहां से चली थी? रिस्क से, रिस्क ट्रांसफर करने से, अब जस्ट अंडरस्टैंड करना उसको। कमर्शियल टर्म में हम अंडरटेक करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमने क्या लेनी है। एसेट साइड क्या है कि हमने पेमेंट कैसे लेनी है। अब पेमेंट यहाँ पे मैंने एसेट साइड लिखा हुआ है, मैं आपको वन बाई वन तमाम टाइप्स ऑफ पेमेंट पे लेके चलूंगा जो पूरी दुनिया में यूज होती है, जो पाकिस्तान में यूज हो रही है, वो फोकस करती है। तो ये पहली कमर्शियल टर्म्स आ गई, फिर सेकंड पेमेंट टर्म्स आ गई। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी करते हैं। मेरे जो राइट साइड वाले हैं वो सारे एक्सपोर्टर वाले हैं, आप लोग लाहौर में, लाहौर में आपकी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री का नेम है रुस्तम कॉटन मिल। आप अपना बिजनेस नेम नोट कर लें, आपने जब ये नेम बोलूंगा एक्सपोर्टर है तो आपने रुस्तम कॉटन मिल लिया, रुस्तम सोरा फैक्ट्री थी ना, रुस्तम कॉटन मिल आपकी फैक्ट्री है, आप लाहौर में हैं, आप एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये दो जो बैच हैं ये दोनों को हम इम्पोर्टर ले लेते हैं। आप जो दोनों बैच हैं आप इम्पोर्टर हैं, आप पुर्तगाल एक कंट्री है जहाँ पे वो सी पोर्ट लेक्चर है, आप सब इम्पोर्टर, आप इनसे इम्पोर्ट करेंगे तो आप एक्सपोर्टर बन गए, ये इम्पोर्टर बन गए। जो इम्पोर्टर उसका नेम नोट कर लें, टैक्स फिल लेक्चर्स, टैक्स फिल लेक्चर्स, TEXFIL। अच्छा ये नेम मैंने किस लिए रखा है, आपके हाथों में जो हैंडओवर्स हैं एज एन एक्सपोर्टर और एज एन इम्पोर्टर, जितने भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंट यूज होने आप उसके 90% उनमें नेम यही दिया। इसका मतलब अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपके पास एक्सपोर्टर के एड्रेस हैं, अपना बिजनेस नेम चेंज करें तो सारे एड्रेस आपके पास होंगे, अगर इम्पोर्टर का बिजनेस नेम चेंज करें वहाँ पे तो वो भी आपके पास, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंप्लीट हैंडओवर स्पेसिमेन आपके पास आ चुके हो, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट हम लेके चलेंगे। एक्सपोर्टर ने कोई माल बेचना होता है तो कैसे बेचते हैं, आप इसको ऑफर देते हैं, एक्सपोर्टर जो ऑफर देगा ऑफर को बोलते हैं कोटेशन, कोटेशन आपने कोटेशन दी। अच्छा आपने कोटेशन ये दिए, अब इसको फोकस करते हैं कि एक्सपोर्टर ने कोटेशन क्या दी है और एक्सपोर्टर ने जो कोटेशन दी है बेसिकली एक्सपोर्टर ने क्या कमिट किया है, एक्सपोर्टर ने अंडरटेक क्या किया है, वो पेमेंट कैसे ले, सारा कुछ इन दो टर्म्स में है। तो मैं अभी क्या करूंगा, वैल्यू जो है रेड है पहले इस पे हम फोकस करेंगे और इसकी तमाम टाइप्स पे जाएंगे, फिर जो पेमेंट है उस पर फोकस करेंगे, फिर उसकी तमाम टाइप्स पे जाएंगे। यानी इसी कोटेशन में आपने वन बाई वन टर्म को चेंज करते चलते अपने आप पे उसका अफेक्ट नोट कर रहे हैं कि अगर इनको टर्म चेंज होती है तो फिर आप पे क्या अफेक्ट आ रहा है, पेमेंट टर्म चेंज होकर आप पे क्या अफेक्ट आ रहा है। बात आ गई इनको टर्म्स पे, तो इनको टर्म किसने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, एक प्रश्न भी मैंने पूछा था तो मैं कहता आपसे किसी ने क्वेश्चन किया इंपोर्टेंस क्या है, ये दो क्वेश्चन जो है ये मेरे स्टूडेंट से आज सबसे ज्यादा ये दो क्वेश्चन पूछे गए, जब भी जॉब के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स में नहीं है तो बेसबाल जो पेट्रोल बैंक स्टेट बैंक पे इंडिया से, तो वो अक्सर ने ये कहा अक्सर ने कि ये जो दो क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन आंसर हमने वैसे दिया जैसे आपने कहा था तो आगे इंटरव्यू भर दो, तो इसका जिस तरह मैच करना उस तरह से आपके पास इसका आंसर रखिएगा। आपसे किसी ने पूछा इनको टर्म्स क्या, तो आपने कहा इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, तो उसका कंप्लीट नेम मिल गया, इनको टर्म बताती है आपने बताना क्या है, ये स्टेट बैंक में इसका रेफरेंस भी दिया हुआ है चैप्टर 12 में पैरा 1 पे। हिस्ट्री क्या है कि इनको टर्म्स 1936 में फर्स्ट पब्लिकेशन आया था 53 से, तो ये इसका एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन जो है वो इनको टर्म 2020 जकम जनवरी 2020 से इम्प्लीमेंट है। आपसे किसी ने पूछा इनको टर्म से, आपने कहा इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म, फिर आपने कहा जी पूरी दुनिया में यही यूज होती है, नहीं कि भैया होती है लेकिन बताए काफी क्या है कि आईसीसी ने बनाई, आपने जवाब नहीं दिया, अब आप जवाब देने लगे जो आपने जवाब देना है। आपसे किसी ने पूछा था इनको टर्म्स क्या बताती हैं, तो आप ये बताएंगे स्पेसिफिकली जो कलर है, इनको टर्म्स कम्युनिकेट बिलो 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनको टर्म्स 3 जिम्मेदारियां बताती है, नंबर 1 द टास्क, नंबर 2 द कॉस्ट, नंबर 3 द रिस्क। मैं साफ बोलिएगा इनको टर्म 3 जिम्मेदारियां बताती है, नंबर 1 नंबर 2 कॉस्ट, नंबर 3 रिस्क। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पे जोर देना चाहते थे तो उसको 3 मर्तबा दोहराते थे, इसलिए आपको पता है 3 मर्तबा पूछा जाता है मौलवी साहब पूछते सोच लिया आपके हैंडल्स पे आ गए ये पिक्चर दीजिए आपके हैंडल्स।
11 नंबर जी हैंडआउट्स पे पेज 11 है जो जहां पे पिक्चर आपके पास आ गई है। अब पिक्चर में देखिएगा लेफ्ट साइड पे जो एक्सपोर्टर है जो लाहौर वाले आपकी फैक्ट्री आ गई, ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपकी फैक्ट्री आ गई। आपने जब भी एक्सपोर्ट करनी होती है ट्राला, ट्राले के ऊपर कंटेनर, फिर ट्राला मूव होता है, कराची जाते हैं, वो कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट में कस्टम क्लियरेंस होती है, फिर शिप लगता है। अब समुंदर का रास्ता, समुंदर के पार में देखिए आप वही पोर्ट डेस्टिनेशन, पोर्ट का नेम क्या है, लेक्सस, वही जो सीएनएफ लेक्सस आपने कोटेशन में देखा था ना, तो इम्पोर्टर की जो पुर्तगाल की पोर्ट कौन सी आ गई, आप लोगों की पोर्ट आ गई लेक्सस, फिर ऑनवर्ड आपके लोकल ट्रांसपोर्ट की फिर आपकी फैक्ट्री आ गई पुर्तगाल में। अब मुझे गाइड कीजिएगा जो आपके पास कोटेशन है, कोटेशन में इनकोटर्म का नेम क्या है, सीएनएफ, यानी एक्सपोर्टर ने जो ऑफर की थी कोटेशन वो थी सीएनएफ। अब आप समझ लीजिएगा कि आपने क्या क्या चीज कमिट की है, आपकी अब जिम्मेदारी क्या है, आप इस पे आपने जिस पे आपने काम करना है, और आप बीइंग इंपोर्टर आपके जहाँ पे एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी खत्म होगी ऑनवर्ड जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी इम्पोर्टर, ठीक है। तो तीन जिम्मेदारियां थी, नंबर वन टास्क लाते हैं, टास्क क्या है कि एक्सपोर्टर ने जो भी टाइमिंग के साथ आपने कमिट किया होगा उस टाइम के साथ आपने रॉ मटेरियल लिया, गुड्स रेडी किए, रेडी फॉर प्रोडक्शन हो गया, पैक हो गया, अब आपने शिपिंग कंपनी से कंटेनर बुक कराया, ट्रांसपोर्टर से ट्राला बुक कराया, ट्रांसपोर्टर ने कंटेनर अपने ट्राले पर रखा, ट्राला लेके आपकी फैक्ट्री में आ गया, आपने गुड्स लोड कर दिया, ट्राला रवाना कर दिया आपने लाहौर से कराची की तरफ, क्लियर हो गया। अच्छा ये जूम कर ले, वो जो एक्सपोर्टर हैं लाहौर से उनके और जो सेकंड बीच के दरमियान में जो जगह है समझे ये समंदर है, वो जो समंदर, ठीक हो गया, यानी उनका जो बॉर्डर है वो कराची पोर्ट है, जो लेफ्ट साइड का बॉर्डर है लेक्सस, वो लेक्सस होगा। आपने ट्राला कराची की तरफ रवाना कर दिया, रास्ते में कुछ चुकी टैक्स किसी किस्म का भी कोई एक्सपेंस पड़ा है तो वो आप ही कर रहे हैं, तमाम किस्म के अरेंजमेंट्स आप ही कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन आप ही कर रहे हैं, कराची पोर्ट पे ट्राला पहुंच गया, पहुंचे फिर वहां पे कस्टम्स क्लियरेंस होनी है, अगर आपने इंस्पेक्शन कमिट की है तो इंस्पेक्शन आपने अरेंज करवा ली, और कराची पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस के लिए आपने कस्टम क्लियरिंग एजेंट हायर किया, उसको डॉक्यूमेंट्स दिए, उसने उस डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कस्टम क्लियरेंस करवा ली, कस्टम क्लियरेंस ओके होगी तो आपका कंटेनर जो शिप के ऊपर रख दिया गया। अब मेरे अल्फाज पे गौर करना, मैंने क्या कहा, आपका कंटेनर शिप के ऊपर रख दिया गया, लोड कर दिया गया, ऑन बोर्ड कर दिया गया, आपका टास्क खत्म। टास्क से क्या लाभ, आपने जितने भी इंतजाम करने थे जो आपने कमिट किए थे इसी इनकोटर के मुताबिक जो आपकी जिम्मेदारी थी वो आपकी कंप्लीट हो गई टास्क वाले। वंस आपका कंटेनर शिप के ऊपर रख दिया गया, शिप अभी चला नहीं है, शिप के ऊपर रख दिया गया कराची पोर्ट में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टास्क पर ही है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट, आपने जो गुड्स मैन्युफैक्चर की है वो तो कॉस्ट है ही है, आपने वो जो ट्राला मूव किया कराची पोर्ट पे उसके रास्ते में आने के जो भी एक्सपेंस आया वो भी एक्सपोर्टर ने किया, अभी सारा काम एक्सपोर्टर कर रहा है, इंपोर्टर सिर्फ देख रहा है, कंटेनर चला ट्राली के ऊपर, चलान हो गया, चलान की कॉस्ट पड़ गई, आग लगी है, डकैती हुई है, चोरी हुई है, दबने वाले कंटेनर उठा के ले गए, कुछ भी हो गया, जिम्मेदारी कौन है, एक्सपोर्टर की, क्योंकि एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी में ये शामिल था, कराची में कस्टम क्लियरेंस पाई उसके एक्सपेंसेस पड़े, शिप के ऊपर आपका कंटेनर लोड हो गया, शिप का जो किराया है कराची पोर्ट से लेके आप लोगों की पोर्ट कौन सी है, लेक्सस, लेक्सस तक
शिपिंग कंपनी का जो किराया है वो भी आपने एडवांस में दे दिया, किराए को बोलते हैं फ्रेट, फ्रेट यानी शिपिंग कंपनी की कॉस्ट भी आपके जिम्मे आ गई। तो ये टोटल आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट आपकी कहां तक पहुंच गई? लेक्सस तक। लेक्सस तक ये पॉइंट क्लियर करना है। टास्क कहां पे खत्म हुआ था? डेस्टिनेशन पोर्ट तक, ट्रांसिट पोर्ट में जब शिप को कंटेनर रख देता। कॉस्ट कहां पे चली गई? लेक्सस तक। टास्क की कंपनी में तीसरी रिस्पांसिबिलिटी क्या थी? रिस्क। एक्सेप्ट। तो डेफिनेशन आती है आपको याद है वैसे जी। अब इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो मेरा फिर ये डेफिनेशन को भी भूलने वाले नहीं, ठीक है? क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्स है, इसमें बुक की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। तीसरा है रिस्क। वंस आपका कंटेनर शिप के ऊपर ट्रांसिट में रख दिया गया, लोड कर दिया गया, ऑनबोर्ड कर दिया गया, आपका रिस्क ये कब है? जब इनकोटम कौन सी है? इसकी बात कर रहा हूं। यानी रिस्क कहां पे खत्म हुआ? कराची पोर्ट पे शिप को कंटेनर रखा तो आपका रिस्क खत्म हो गया। आगे शिप चलता है, शिप डूब जाता है तो रिस्क एक्सपोर्टर का नहीं है कि उससे आपकी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। ये तीनों रिस्क जहां पे एक्सपोर्टर पे बाउंड्री लग रही है, ऑनवर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी शुरू हो रही है? तो ये कौन सी टर्म आई? ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है इसकी बेस पे बाकी इंपोर्टेंस है। टोटल 11 इंपोर्टेंस है, वन बाय संसार ये करने लगे इसी को बेस बनाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इनकोटम जो CNF है मार्केट में मुझसे नेम से इसको कहा जाते हैं, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ उसमें रोक। CNF इनकोटम में है ये डिफरेंट नेम से इसको पुकारा जाता है और लिखा जाता है मार्केट में, मीनिंग सबका सेम कॉस्ट एंड फ्रेट। लेकिन जो ICC यूरोपी से बनाए थे सारे ICC ने इसका जो नेम रखा जो लास्ट में आ रहा है CFR, मीनिंग उसका भी कॉस्ट एंड फ्रेट, यानी मीनिंग सबका कॉस्ट एंड फ्रेट है, पड़ा सबको कॉस्ट एंड फ्रेट ही जाएगा। ICC ने इसका नेम CFR रखा हुआ है जो पाकिस्तान में सबसे कम यूज होता है। तो जहां पे आपके फैंसी में जो सिंबल आ रही है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में जो सिंबल है, अगर एफसी है तो फिर एफसी सिंबल को फॉलो करना है, तो उसी को फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन आपके नॉलेज होना चाहिए कि ICC ने इसका नेम CFR रखा हुआ है। पहले मुझे बड़ा एक्सीडेंट होता तो कहते हैं मेरे पास एफसी आ गई है तो नई कोई टर्म आ गई है उसमें CFR, पहले किस पे काम करते कहते हैं कॉस्ट एंड फ्रेट पे, तो मैं ये वही है आप बेफिक्र होकर करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सब सेम एक चीज करते हैं, ठीक है? कॉस्ट एंड फ्रेट। अब नेक्स्ट चलते ही CFR, आपने देखे डायग्राम में शिप के ऊपर देखे तो पहले पे CIF है, फिर CFR है, फिर FOB, ठीक है? CFR हमने कर ली है, अब उसकी बेस पे सारी टर्म्स को कवर करते हैं। CFR से प्लस वन का फार्मूला करें जी। ने भी बताया कि एक्सपोर्टर ने जब शिप पे माल रख दिया उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, लेकिन टर्म्स उसने CFR या CNF लिखी हुई है और CFR से ऊपर लिखी हुई टर्म CIF, मेरे अल्फाज पे गौर रखना, मेरे अल्फाज के बोल मैं कह रहा हूँ कि CFR से प्लस वन का फार्मूला लग गया। प्लस वन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हुआ? जो एक्सपोर्टर है वो इंश्योरेंस करवा देता है, वो कहते इंश्योरेंस में मैं करवा देता हूँ। आप लोगों ने इंश्योरेंस कराई, आपका टास्क में क्या चीज बढ़ी? इंश्योरेंस कॉस्ट, पॉलिसी बनवाना। आपका आंसर दे दिया जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी जब बनवाएंगे, जो ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसी बनाएंगे उसका बेनिफिशियरी इंपोर्टर को रखेंगे और ओरिजिनल पॉलिसी भी इनको डिस्पैच करेंगे। अगर कोई मिसअप हो गया तो आप उसके केस क्लेम करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये आपका टास्क में ऐड होगा,
कॉस्ट में जो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी बनाएंगे उसका प्रीमियम आप पे करेंगे। इसका मतलब है आपने इनको टर्म चेंज की, आपकी कॉस्ट बढ़ी, आप प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे जैसे इनको टर्म चेंज होगी आप देखेंगे टास्क कॉस्ट भी चेंज होने पर आप पे इफेक्ट आ रहा है, आप उसकी प्राइस को भी चेंज कर रहे हैं। तो रिस्क कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? इंश्योरेंस कंपनी। तो सिर्फ एक चीज चेंज हमने की, एक्सपोर्टर ने कहा मैं इंश्योरेंस भी करवा देता हूँ, तो इनको टर्म बन गई सीएफआर से सीआईएफ। क्लियर? वापस आ जाते हैं सीएफआर। अब सीएफआर से माइनस का फॉर्मूला लेते हैं। अब अगेन माइनस वन ही करते हैं। सीएफआर में शिपिंग कंपनी का किराया एक्सपोर्टर ने दिया था, एक्सपोर्टर कह रहा है किराया मैं नहीं दूंगा, शिपिंग कंपनी जो फ्रेट है किराया जो उनको देगा इंपोर्टर जो एफओबी पे पहुंचे थे मजीद एक स्टेप माइनस आ जाते। शिपिंग कंपनी यानी शिप आके लगा कराची पोर्ट पर तो उसके ऊपर कंटेनर लोड होना था। अब कंटेनर लोड करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सपोर्ट का तो वो मेरी नहीं है, एक्सपोर्ट अब कंटेनर में तो नहीं है, एफओबी से नीचे आ रहे एफएएस फ्री अलोंग साइड शिप फ्री। अच्छा ये कहां पे आएगा? ये जहां पे चार्टर वेसल होते हैं पूरा शिप आपने चार्टर किया हुआ है जहाँ पे गंदा है सीमेंट है बजरी है पूरा शिप जिसमें हफ्ता हफ्ता लग जाता है कॉस्ट भी बढ़िया आती है। तो क्या मतलब है शिप के ऊपर लोड करवा के देना का जो टास्क है वो एक्सपोर्टर का अब नहीं रहा, कॉस्ट भी नहीं रही तो रिस्क भी नहीं रहा। टास्क कॉस्ट रिस्क तीनों कब खत्म हो गए? कस्टम क्लियर करवा के भर्त में पड़ा हुआ है, एक्सपोर्टर जो जब शिप पहुंचे ये खुद अरेंजमेंट करे लोडिंग का भी कॉस्ट भी दे रिस्क भी दे। तो ये बड़ी डील होती है चार्टर वेसल के नॉर्मली जो होता है जो गवर्नमेंट लेवल पे या बहुत बड़ी कंपनीज के जो है वहां पे होता है चार्टर वेसल। ठीक है मुझे शुरू में जब मैंने आगाज किया था मुझे उन्होंने कहा जी एफएस के का सी मुझे एफएस की जी की मदद कर दीजिए आपको भी मैं कहीं हो नहीं सकता ऐसी पागल से ज्यादा बनते हैं। तो मैं टीडीए में मुझे शुरू से क्यूरियोसिटी थी मैं कोई काम पीछे पड़ जाता था मैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया उन्होंने कुछ शोर पे नहीं देखा। तो FAS अब जी कितनी टर्म आपने कवर कर ली? चार। चारों टर्म तब यूज होंगी जब ये आप पानी के थ्रू समुद्र के रास्ते पानी के थ्रू यानी समुद्र है दरिया है यानी पानी के थ्रू आपने ट्रेड की तो ये चारों टर्म यूज हो जाएंगी। अब जब रहेगा अगर पानी के थ्रू ट्रेड नहीं और किस वजह से हो सकती है जितनी भी शिपमेंट मोड है उनके लिए दूसरी टर्म जो लेफ्ट साइड पे आ रही है FCA CPT CIG इसका मतलब है कॉस्ट लिस्ट ऑलरेडी डिफाइंड है जो भाई सी वाले में था सिर्फ और सिर्फ शिपमेंट मोड चेंज हुआ था और तो कुछ नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब है मैं जस्ट ये बता दूं कि ये टर्म इस टर्म के इक्वल है तो फिर आपको मीनिंग टू सेम पहले बात ठीक हो गया नोट कर लें CIF इक्वल टू CIP CIF इक्वल टू CIP CFR इक्वल टू CPT CFR इक्वल टू CPT कैलकुलेट टू लास्ट FAS इक्वल टू FCA FAS इक्वल टू FCA टोटल मैं भी करता हूँ CIF इक्वल टू CIP CFR इक्वल टू CPT FAS इक्वल टू FCA इसी के ऊपर इसी डायग्राम के ऊपर लिखते जाएगा
और एफ ओ बी अभी कितनी उसके केस हुई है? तीन आप बताइएगा। तीन हो गए। टोटल कितनी होगी? सेवन। टोटल कितनी है? सेवन। ग्यारह हमने सेवन कवर कर ली। थोड़ी सी और एफर्ट करें, बाकी करते हैं। एक्सपोर्टर के साथ ही ई एक्स डब्ल्यू लिखा हुआ है। एक्स वर्क्स, एक्स वर्क्स है, एक्स प्लांट है, एक्स वेयर हाउस है, एक्स फैक्ट्री है, कुछ भी एक ही मीनिंग है। अब मीनिंग समझे क्या है? एक्स मतलब मीनिंग ये है, एक्सपोर्टर कहता है ये मेरी फैक्ट्री है लाहौर में, मैंने गुड्स रेडी किए हैं, आप भी उठा के ले जाओ। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? टास्क कॉस्ट रिस्क। टास्क में उसने जो डेट एग्री की उस डेट पे गुड्स सिर्फ रेडी फॉर डिस्पैच देने हैं, पैक करके रेडी करके रख दिए। आप पुर्तगाल से गए, आपने ताला लिया, कंटेनर लोड किया, ले पे लोड कर दो। एक्सपोर्टर कहता है लोड करके देना भी मेरा टास्क नहीं है। लोकल सेलर जो करते हैं वो ब्रदरहुड है। बाई रूल एक्सपोर्टर का सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोड का भी देना मिली है। अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लोडिंग की, तो लोडिंग का कॉस्ट भी उसकी नहीं है, तो लोडिंग का रिस्क भी उसका नहीं है। तो इसका मतलब है एक्सपोर्टर ने गुड्स रेडी कर लिए, रेडी पड़े तो वो बेफिक्र हो गया, ये उठा के लेके जाए, खुद ही उठाए, खुद ही कॉस्ट बियर करे, खुद ही रिस्क ले। तो सबसे अच्छी टर्म एक्सपोर्टर के लिए कौन सी आ गई? एक्स वर्क्स। अब आ जाते हैं राइट साइड पे, समुद्र पार। समुद्र पार बेस वही बनाते हैं सीएफआर को। सीएफआर से प्लस गए तो आप चले गए डीएपी, इंपोर्टर साइड पे, इंपोर्टर की फैक्ट्री साइड, डीएपी डिलीवर्ड एट प्लेस। अब इसमें एक्सपोर्टर का टास्क क्या बड़ा है, अब इसको समझ लेना चाहिए, कंफ्यूजन है थोड़ी सी। इंपोर्टर की पोर्ट पे, इंपोर्टर की पोर्ट कौन सी है? लक्ष्य पे शिप पहुंच गया है, माल को उतारा है, वो जो क्रेन चार्जर टर्मिनल चार्जर्स हैं वो प्लस उधर से उठा के लोकल ट्रांसपोर्टेशन पुर्तगाल की। ये दो चीजें, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें। कौन सी? टर्मिनल के चार्जेस, यानी डेस्टिनेशन लक्ष्य पे टर्मिनल के चार्जेस, प्लस जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है लक्ष्य की, वो दो एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी। टास्क बढ़ गया आपका, कॉस्ट भी बढ़ गई, रिस्क सबसे अहम बढ़ गया। इसका मतलब है डीएपी डिलीवर्ड एट प्लेस, उनकी फैक्ट्री में माल पहुंचाया नहीं तो आप ही जिम्मेदार हैं, रास्ते में शिप डूब जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो एक्सपोर्टर के लिए ये इंतहाई रिस्की आ गया। अब एक और टर्म उसे नीचे लिखी हुई, डीपीयू डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, डीपीयू। अब डीएपी और डीपीयू दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक फर्क है, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, उधर पहुंचा है तो माल उतार भी दिया, अनलोड कर दिया, उतार दिया, डीपीयू है। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, ये सिर्फ दो चीजें मैंने बताई थी, ये ऐड हुई है एक्सपोर्टर के लिए, बाकी काम इंपोर्टर खुद ही कर रहा है, कस्टम क्लियरेंस भी खुद कर रहा है, आप अपनी टैक्स भी इंपोर्ट पे पड़ते हैं, वो भी इंपोर्टर खुद ही दे रहे हैं। क्लियर? लास्ट टर्म पे आ जाए, टीडीपी डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, डीडीपी डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। इस केस में सभी ही काम एक्सपोर्टर ने ही करना है, इंपोर्टर ने कुछ भी नहीं करना, इवन के इंपोर्ट पे लक्ष्य पे कस्टम क्लियरेंस और जो ड्यूटीज टैक्स है वो भी एक्सपोर्टर पे करना। तो ये टर्म सबसे अच्छी किसके लिए होगी? अब थोड़ा सी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि कौन सी टर्म ज्यादा अच्छी है, कौन सी बुरी है। आप लोग